नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार विश्व चैंपियन बखोदिर जालोलोव के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बावजूद क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए। प्री क्वार्टर फाइनल में लगी चोट के कारण माथे और ठोड़ी पर 60 टाके लगवा कर उतरे सतीश 0-5 से हार गए। उन्हें जमैका के रिकॉर्डो ब्राउन के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में 2 कट लगे थे। इस मुकाबले में सतीश कुमार ने विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज के खिलाफ सरेंडर नहीं किया, वो लगातार लड़ते रहे। बता दें, टोक्यो ओलंपिक में भारत को लगातार निराशा मिल रही है। भारत के स्टार मुक्केबाज सतीश कुमार को सुपर हैवीवेट कैटेगरी के सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के बखोदिर जालोलोव ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर मेडल पक्का कर लिया है। विश्व चैंपियन और एशियाई चैंपियन उज्बेकिस्तान के बखोदिर जालोलोव ने ब्लू कॉर्नर से खेल रहे सतीश को एक तरफा अंदाज में 5-0 के अंतर से हराकर टोक्यो से विदा किया। सतीश कुमार की हार के साथ ही पुरुष मुक्केबाजी में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। सतीश कुमार ने प्लस 91 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम 16 राउंड के मुकाबले में गुरुवार को जमैका के रिकॉर्डरे ब्राउल को प्रभावशाली तरीके से 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया था। उस प्रदर्शन को देखते हुए सतीश से टक्कर की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो जालोलोव के आगे चारों खाने चित हो गए। तीनों राउंड में जालोलोव अपने 32 वर्षीय भारतीय प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह हावी रहे और हर राउंड में 5-0 के स्कोर के साथ जीत हासिल की। फुटबॉल से मुक्केबाज बने जालोलोव ने अपना पहला ओलंपिक पदक सुनिश्चित करने के बाद सतीश की बहादुरी की तारीफ की। सतीश चोटिल होने के बावजूद इस मुकाबले को खेलने उतरे थे। सतीश सुपर हैवीवेट में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले मुक्केबाज थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।